बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है? ए गुजरात, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आपको जीरो माइल औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान देसी शराब बरामद। भागलपुर के जीरो माइल औद्योगिक थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान देसी शराब बरामद हुआ है। वहीं अखिलेश कुमार एवं जयकांत मंडल की पत्नी जितनी देवी दोनों सिमरिया के निवासी देसी शराब के साथ पुलिस के गिरफ्त में आ गई है। बरामद देसी शराब 70 kg का अनुमान लगाया जा रहा है। बताते चले कि चुनाव को लेकर पुलिस द्वारा विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार छापेमारी की जा रही है व वाहनों को रोका टोका जा रहा है, जिसमें देसी व विदेशी शराब की लगातार बरामदगी हो रही है। अपनी मांगों के समर्थन में शुक्रवार के दिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मिलने पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय गेट बंद कर विश्वविद्यालय गेट पर धरना दिया। मौके पर कुलपति, प्रतिकुलपति और परीक्षा नियंत्रक के नहीं रहने से नाराज होकर कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे। परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन से स्नातक के परीक्षा फॉर्म की तिथि कोरोना के चलते बढ़ाए जाने और बीसीए के छात्र छात्राओं को भी सभी स्नातक के छात्र छात्राओं के तरह समान मौका दिए जाने की मांग की। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री कुश पांडे के नेतृत्व में आयोजित धरने के दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने जमकर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मांग नहीं पूरे होने पर चरणबद्ध आंदोलन की धमकी दी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज हम लोगों ने तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय को बंद कराया। विगत 2 दिन पूर्व विद्यार्थी परिषद ने एक मांग पत्र दिया था विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को, क्योंकि उस दिन भी ना कुलपति, ना प्रतिकुलपति, ना कंट्रोलर, ना कोई अधिकारी मौजूद थे। और हम लोगों को कहा गया कि अधिकारी नहीं आ रहे हैं, अगले दिन आइए, आपकी मांग को सुना जाएगा। और आज तीसरा दिन है, आज हम लोग फिर पहुँचे तो विश्वविद्यालय में एक भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। तो जब विश्वविद्यालय में कोई अधिकारी मौजूद नहीं है तो किस हक से विश्वविद्यालय खोला गया? जब छात्र छात्राओं की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है, उनका समाधान करने वाला कोई नहीं है, तो किस हक से विश्वविद्यालय खोला गया? हमारी मांग है कि पार्ट वन में छात्र जिनका रिजल्ट पेंडिंग रह गया, एब्सेंट के कारण, विश्वविद्यालय की गलती के कारण जिनको प्रमोटेड किया गया है, वैसे छात्रों को पार्ट थर्ड का फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। और जब तक यह नहीं दी जाएगी और जब तक कोई पदाधिकारी, प्रशासनिक पदाधिकारी विश्वविद्यालय नहीं आते हैं, यह अनिश्चितकालीन तालाबंदी चलता रहेगा। और हम लोग कल फिर आएंगे जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा, और यह बंदी अनवरत चलता रहेगा। कुश पांडे, प्रदेश सहमंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बिहार प्रदेश। नवगछिया शहर को NH से जोड़ने वाली सड़क का मरम्मति कार्य आरंभ। मकनपुर चौक NH 31 से नवगछिया बाजार को जोड़ने वाली जंजर सड़क की मरम्मति का कार्य RCD विभाग के अभियंता के द्वारा शुक्रवार से आरंभ कर दिया गया। सड़क में आए गड्ढे को भरने के लिए मटेरियल गिरवाकर गड्ढे को भरने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। मालूम हो कि SDO अखिलेश कुमार ने ग्रामीणों की शिकायत पर इस दिशा में पहल करते हुए RCD विभाग के अभियंता को सड़क की मरम्मति का निर्देश दिया था। नवगछिया में SDPO ने पुलिस पदाधिकारी के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। नवगछिया SDPO कार्यालय में शुक्रवार को SDPO दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र एवं सर्कल के इंस्पेक्टर शामिल हुए। बैठक में SDPO ने थानावार कांडों की समीक्षा की एवं लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि बैठक में विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर थानाध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। आगामी चुनाव को लेकर सभी थानाध्यक्ष को अपने अपने क्षेत्रों में गतिविधि तेज करने एवं गाँव घरों में चुनाव को लेकर चल रही गतिविधियों पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। नवगछिया के गोपालपुर व बिहपुर में लगातार 8 घंटे बिजली रही गुल, परेशान रहे लोग।
नौगछिया शहर सहित अनुमंडल के सभी सातों प्रखंड में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से प्रभावित रही। बीरपुर, गोपालपुर, रंगरा, इस्माइलपुर, नौगछिया, नारायणपुर एवं खरीक प्रखंड में शुक्रवार को पूरे दिन बिजली गुल रही। उमस भरी गर्मी में लगातार 8 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। नौगछिया शहर में तो बिजली आती जाती रही, लेकिन ग्रामीण इलाके में दिन के 10 बजे कटी बिजली शाम 5 बजे के बाद आई। लगातार कई घंटों तक बिजली नहीं रहने के कारण लोगों के घर में इन्वर्टर लगे थे वह भी डिस्चार्ज हो गए, जिसके बाद लोगों को उमस भरी गर्मी का प्रकोप झेलना पड़ा। लगातार बिजली गुल रहने से लोगों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। लोगों के सामने पानी की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऑनलाइन ताइक्वांडो पुमसे एवं डेमो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। विश्व ताइक्वांडो दिवस के अवसर पर भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में शुक्रवार को ऑनलाइन ताइक्वांडो पुमसे एवं डेमो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक की भूमिका में राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद थे। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जेम्स फाइटर सोनाक्षी, तन्मय, शिवम, दिव्य, सुमन, अनन्या, अदिति, हर्ष, हरिओम, प्रिया, मीनाक्षी, प्रियांशु, अभिनंदन, अवंतिका, अमृत, ऋतु, जयंत आदि ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जिला महासचिव घनश्याम प्रसाद ने कहा कि प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। नवगछिया में मास सिंगिंग अभियान में 158 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नौगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 158 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 7900 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं से अभियान में एक वाहन से 1000 रुपए में जुर्माना वसूल किया गया। नारायणपुर में भी रुकेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन। रेल मंडल प्रबंधक पूर्व मध्य रेल सोनपुर अनिल कुमार गुप्ता को रेलवे परामर्शदात्री सदस्य सत्यम प्रियदर्शी और कुंदन यादव ने पत्र द्वारा परीक्षा स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस संख्या 057-13-14 का नारायणपुर रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग कर आवेदन की प्रतिलिपि सीनियर वाणिज्यिकी मंडल प्रबंधक और मंडल परिचालन प्रबंधक को ईमेल के द्वारा दिया गया था। मोबाइल पर मंडल परिचालक प्रबंधक से भी बातचीत हुआ, जिस पर कुंदन यादव को प्रबंधक ने मोबाइल पर कहा कि नारायणपुर स्टेशन पर भी परीक्षा स्पेशल ट्रेन रुकेगी, इसके लिए वहां के स्टेशन प्रबंधक को निर्देश दिया गया है। नवगछिया के मकनपुर चौक पर पुलिस पिकेट के पास पान गुमटियों को तोड़कर हजारों की हुई चोरी। नौगछिया के मकनपुर चौक पुलिस पिकेट के पास गुरुवार की रात अज्ञात चोरों ने 2 पान की गुमटियों को तोड़कर हजारों की चोरी कर ली। पान दुकानदारों में सिंधिया मकनपुर निवासी मंटू शाह और राकेश शाह ने मामले की सूचना गोपालपुर पुलिस को दूरभाष पर दी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन भी की है। दोनों गुमटियों से करीब 20,000 रुपए मूल्य के सामान और नकदी की चोरी होने की सूचना मिल रही है। दुकान के मालिक मंटू कुमार शाह सिंधिया मकनपुर निवासी थाना गोपालपुर ने बताया कि वे अपने जीविकोपार्जन हेतु मकनपुर चौक पर दुकानदारी वर्षों से कर रहे हैं। बीती रात उनके दुकान से पान और पान का मसाला सहित बिस्कुट, चॉकलेट, दालमोठ सहित कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल चोरों द्वारा गायब कर दी गई है। वहीं पास के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख भी रहा है कि रात्रि के समय लगभग 3 बजे कुछ अज्ञात चोरों ने टेम्पो लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना से उनका परिवार काफी डर गया है। वर्तमान में महाजन से कर्ज पैसा लेकर वो अपना रोजगार कर रहे हैं। वहीं चोरी एक रात्रि में 2 दुकान में चोरी के बाद आसपास के दुकानदारों में भी खौफ का माहौल है। इधर देर शाम दोनों दुकानदार गोपालपुर थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए प्रयासरत थे। दूसरी तरफ गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने कहा कि मामले की सूचना है, लेकिन अभी तक किसी ने लिखित रूप से आवेदन नहीं दिया है। लिखित आवेदन मिलने पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। आपका मंटू कुमार शाह, मकनपुर चौक। आपके दुकान में क्या सब हुआ है चोरी और कब हुई है घटना? ये रात में हुआ है। क्या सब चोरी किया गया है? ठंडा पान का मसाला ले गया, सब कुछ लेकर चला गया। सारा चीज चला गया। कितने रुपए की चोरी हुई है लगभग सामान की? लगभग 10,000 का। आप कुछ मांग करते हैं प्रशासन से? यहाँ प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बराबर ही दुकान में चोरी होता है चौक के। हम चाहते हैं इसका जांच हो। हम गरीब परिवार वाले हैं, इसी से जीवन यापन करते हैं। हम खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।
दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी, वैशाली, संगम, अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979-8500-79 7549-6838-88 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछी अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773 93043-67-170। रजनीकांत राय बने युवा जदयू के कार्यकारी जिलाध्यक्ष। नवगछिया युवा जदयू के जिलाध्यक्ष सोनू जायसवाल ने कार्यकारी जिलाध्यक्ष रजनीकांत राय को मनोनीत किया है। कार्यकारी जिलाध्यक्ष रजनीकांत राय ने कहा उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करेंगे। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी पंचायत के बाबू टोला में जमीन संबंधी विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट होने से दोनों पक्ष के एक एक लोग घायल हो गए। वहीं एक पक्ष के राजू मंडल को पुलिस ने देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दूसरी ओर राजू मंडल ने जमीन संबंधी विवाद में दशरथ ठाकुर वगैरह पर मारपीट करने का मामला दर्ज कराया है। रोजगार की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। भारतीय रेल, LIC, HPCL, कोल इंडिया, एयर इंडिया, एयरपोर्ट आदि को बेचे जाने पर तुरंत रोक लगाओ, खत्म किए गए पदों पर बिना देरी किए भर्ती करने आदि प्रमुख नारों के साथ इंकलाबी नौजवान सभा के देशव्यापी कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नवगछिया अनुमंडल के सोखचा, पकरा और गंगानगर आदि गांव में युवाओं ने प्रदर्शन कर केंद्र को मोदी सरकार और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से रोजगार देने की मांग की। वहीं इस मौके पर मौजूद संगठन के राज्य सह सचिव गौरीशंकर राय ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे केंद्र हो या बिहार के मुखिया नीतीश कुमार, दोनों ने देश के युवाओं को धोखा दिया है। 2014 के चुनाव में देश के करोड़ों करोड़ों नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन मोदी सरकार ने कई चीजों को निजीकरण कर रोजगार के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। नवगछिया में बोले तारकेश्वर ठाकुर, बूथ कमेटी की मेहनत रंग लाई। नवगछिया में जनता दल नवगछिया इकाई की बैठक तेतरी पंचायत में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में तारकेश्वर ठाकुर उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष अलग निरंजन पासवान एवं संचालन जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने किया। बैठक में बूथ कमेटी को लेकर विशेष समीक्षा की गई। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-97-3680 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। बस एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाए होम डिलीवरी, घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन मार्केट।
अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध है। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043 67170।